warm welcome to each one of you as we gather here today for the commencement of a new academic journey. So, a big round of applause to welcome the newcomers to our department. One second, yaar. अरे मेरी co-host कहाँ है? Anyone, can you guess who will be my co-host? प्लीज यार अकेले मत छोड़ो. लो भाई आगे तुम्हारी को-होस्ट. आप खुश? एकदम पूरा खुश. तो मैं प्रज्ञा झा, मायसेल्फ दिनेश कुमार, आप सभी के दोस्त और फ्रेशर पार्टी के होस्ट, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका. आप सभी का आज इस इवेंट में बहुत बहुत स्वागत है. खुशियां नगमे बिखेर रही है, दबे दबे पाँव से कुछ कह रही है. आज दिन कुछ खास है, पधारे आज प्रांगण में हमारे खास मेहमान हैं. तालियों के साथ स्वागत करें इनका, क्योंकि ये हमारी महफिल की जान है. So, let's be all together, make this morning the best morning. Let the whole university should know that we are having freshers party today. भाई तालियां बजा दो इस बात पे. एक खूबसूरत सी सुबह की खूबसूरत सी शुरुआत करते हैं. यहाँ उपस्थित सभी गुरुजनों को हम प्रणाम करते हैं. फ्रेशर्स पार्टी का सुंदर सा आगाज करते हैं और इन यादों को हम अपने दिल के आईने में हमेशा के लिए कैद करते हैं. आज का दिन ये फिर नहीं होगा, ये पल ये क्षण भी फिर नहीं होगा. फ्रेशर्स पार्टियां तो बहुत होंगी दोस्तों, ऐसा आलम ये फिर नहीं होगा. I would like to request my volunteers to pin the rosette to our teachers. कन्हैया, ईशा एंड निधि, प्लीज कम. गाइस अभी प्लीज रेडी रहिएगा, टाइम थोड़ा कम. निकिता, बीना एंड आस्था, Tania and Rahul.
ताली 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 ताली। दिव्या राजेश एंड अभिषेका प्लीज कम। गिरी सहयोग कर रही है हमारे सुसमिता जो
बहुत सक्रिय विभाग में अभी तक जो है ना रही और सब लोगों का स्नेह भी उसको मिला। और हमारे प्रिय छात्र छात्राएं थर्ड सेमेस्टर का है और फर्स्ट सेमेस्टर का दोनों छात्र छात्राएं हैं। अब तो थर्ड सेमेस्टर का ये थर्ड सेमेस्टर है, हमको लगता है कि वो 6 महीना और 1 सेमेस्टर के लिए है, लेकिन ये अच्छा चूँकि हमको लगा कि इसके पहले भी एक कार्यक्रम हुआ यहाँ पर, लेकिन एक अच्छा परंपरा इस बार डेवलप हुआ कि हमारे फ्रेशर्स जो नए छात्र छात्राएं हमारे विभाग में आए और जो वरिष्ठ सीनियर जो छात्र छात्राएं हैं उनके द्वारा ये पहल जो किया गया वो सही में धन्यवाद के पात्र हैं और एक नया शुरुआत हमारे विभाग में ये किया गया है और इसके लिए हम थर्ड सेमेस्टर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत गंभीर अवस्था में मेरे पास थर्ड सेमेस्टर से कुछ लोग आए थे, मैंने कहा भाई तुम करो और हमसे जो भी सहयोग होगा जितना होगा हम लोग इसमें सहयोग करेंगे और ये सही बात है। कई विश्वविद्यालय देश और विदेश में भी मैं विजिट किया गया, हर जगह ये परंपरा है ये व्यवस्था है और सही भी लगता है कि एक आदमी एक नौ आगंतुक को वहाँ की व्यवस्था से परिचय कराने वाला होना चाहिए। एक वरिष्ठ सीनियर छात्र छात्राएं जो विश्वविद्यालय के किसी विभाग में हैं उनको यह दायित्व बनता है कि जो नए छात्र छात्राएं हैं वो उसका नए छात्र छात्राएं को अपनी जो व्यवस्था है उसके बारे में उसको परिचित कराएं। साथ ही यदि हमारे नए छात्र छात्राओं को किसी तरह की समस्या उत्पन्न होती है, कोई समस्या सामने आता है, तो उस समस्या के समाधान की दिशा में भी हमारे वरिष्ठ जो छात्र छात्राएं हैं उनको पहल करना भी एक दायित्व बन जाते हैं। बहुत अच्छा है हमारा ये आज की व्यवस्था है कि दोनों छात्र छात्राएं आपस में एक होंगे, एक साथ मिलेंगे, लेकिन इसके साथ साथ है कि हमारे जो भी नए छात्र हैं जो आए हैं इस विभाग में उनका भी दायित्व बनता है कि वो अपने वरिष्ठ को सीनियर छात्राओं को एक रिस्पेक्ट के रूप में, एक वरिष्ठता के रूप में, एक गार्जियन के रूप में भी अपना उसको माने पहल करें। हमारे समय में अब तो बहुत परिवर्तन आया, लेकिन पहले इस तरह की व्यवस्था विद्यमान था और जो भी वरिष्ठ थे हमारे हॉस्टल में भी लॉज में भी जब हम रहते थे तो हमारे जितना जूनियर छात्र छात्राएं थी सब बच्चे सब लोग हमारे पास आते थे और अपनी समस्या चाहे वो अपना पढ़ाई लिखाई की बात हो कुछ जानना चाहते थे तो हम लोग से संपर्क करके मिलते थे और उनको हम लोग डरते थे भी, इसलिए हम लोग बड़ा मजबूत रहते थे कि भैया कोई जूनियर बच्चा बीकॉम का या मेरे जूनियर बच्चा कोई स्टूडेंट आकर के हमसे कोई विषय को पूछ नहीं ले, इसलिए हम लोग हर विषय में कोशिश करते थे कि हमारे लिए अच्छा होता था कि हम उसको पढ़ते थे और उसके साथ हम लोग डिस्कस करते थे। आज ये परंपरा लगभग समाप्त हो गई है, टूट गई है, क्योंकि कोई भी जो जूनियर विद्यार्थी हैं वो अपने सीनियर से पूछते नहीं,
पूछना नहीं चाहते। उस तरह से दो फायदा होता था, एक हमारा संबंध जो है उनके साथ बहुत अच्छा बन जाता था, और उसके लिए हमको ही फायदा होता था कि हम कुछ उसके लिए पढ़ते थे। लेकिन आज के माहौल में जो एक चीज़ डेवलप हुआ वो ट्यूशन की प्रक्रिया डेवलप हो गया, और हम लोग ट्यूशन का प्राथमिकता देते हैं। हम क्लास में भी बोलते हैं कि तुम भाई ट्यूशन को प्राथमिकता क्यों, सबसे अच्छा टीचर, सबसे अच्छा ट्यूटर, और सबसे अच्छा टीचर और जो होता है वो तुम्हारा किताब होता है। इसलिए हम सलाह भी देंगे कि आप सबसे अच्छी दोस्ती है कि आप अपने पुस्तक से दोस्त बनाएं, और मेरा सलाह रहेगा कि आप टेक्स्ट पेपर पढ़िए, कोई गैस पेपर या कोई पासपोर्ट को हाथ नहीं लगाइए, उसको छोड़ दीजिए। आप पढ़िए, उसके साथ साथ आपके पास मोबाइल है, आपके साथ साथ उसमें बहुत सारा यूट्यूब है, गूगल है, उससे आप निकालिए। लेकिन हो उस चीज़ को उतारिए नहीं, उसको देखिए कि भाई वो आपसे आपके साथ उसका क्या क्या उल्लेख किया है, क्या वो अच्छा है या उसमें और कुछ हम जोड़ सकते हैं, अपना विचार जोड़ने का प्रयास करें। चलिए, आज का माहौल बहुत खुशनुमा है, ढेर सारी शुभकामनाएं। हम तो चाहते हैं कि भाई मेरे बच्चे, हर सारे बच्चे हमारे बहुत अच्छा करें, और हमारे देश नहीं देश और विदेश में भी एक उत्कृष्ट और एक प्रथम नागरिक बन करके काम करें, श्रेष्ठ काम करें। इन शुभकामनाओं के साथ हम सबको एक बार धन्यवाद देते हैं, इस तरह का माहौल पहल जो की उसको भी धन्यवाद देते हैं। व्यवस्था बहुत अच्छा किया है तुमने, बहुत शॉर्ट समय में जो कहीं हम किए थे उसके लिए हमारे बच्चे धन्यवाद।